مولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين خطائين الهالكين الشفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है तुझे पहले बचपन ने परसों खिलाया जवानी ने फिर तुझ को मजनू बनाया बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया बुढ़ापे ने आके क्या क्या सताया और अजल मौत अजल कर देगी तेरा बिल्कुल सफाया जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है मेरा ख्याल है मुख्तसर हाजरी के अंदर तुसा मेरे मौजू को भी समझ बनो और क्योंकि मेरे को मेरे पाक परवरदिगार दा ते कुरान दा ये हुक्म है कि तुसा बनो पहले पढ़ो जिले पढ़ के आओ अपने इलाके बनो लोगों को मेरे अदाब को डराओ ताकि ये मेरी रहमत दे हकदार थी सगन इन्हें दे दिल नरम थी सन जेले कुरान पाक सुन सन कोई वे नहीं कुरान पाक दे जरिए इन्हें दे दिल नरम थी सन इन्हें दे दिले दे अंदर जेले खौफ पैदा थी सी इन्हें दे अखी दे जो हंजू जारे थी सन और जेले ये रहमत दा अंदाज सामने आसी ता इन्हें दे मैं अपनी रहमत बसे सा और केजी रहमत जेले बंदा अपने पाक परवरदिगार दी बारगाह दे अंदर झुक दे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमेनन तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कथीरा खुशखबरी है खुशनसीबी है उ शख्स बख्शते कि जेंदे नामा अमाल दे अंदर बहु कसरत नाल बहु ज्यादा इस्तिगफार होसी यानी अपने पाक परवरदिगार दी बारगाह दे अंदर जेदे नामा आमाल दे अंदर ए मौजूद होती के पाक मौला मेको माफ कर दे मैं गुनाहगार हां मेको माफ कर दे और ए कौन आक्सी मेको माफ कर दे जेदे दिल दे अंदर खुदा दा खौफ भी हो सी और खुदा दा खौफ जितना कलाम पाक कुरान पाक दे पढ़न नाल आंदे भाई कई चीज नाल नहीं आ सकदा हुण ई चीज ते तवज्जो रखो के इल्मे दीन दी महफिल जिवें टुर के आवे बड़ी सादत दी गल है फरमाया के मन आदा अखन लहू मुस्लिमा जेड़ा बंदा अपने कोई मुसलमान दी ताजियत ते इयादत वास्ते आंदे उंबले उते ते अल्लाह पाक दी रहमत और करम कितना थींदे एक बंदा अपने फिरा नाल गमखारी और उंदे दुख वंडावण वास्ते टुरदे गमखारी वास्ते ताजियत वास्ते अल्लाह पाक क्या फरमाए दे ते बता ए बंदे तू चंगा है वह ताबा ममशा का और तेरी टोर बड़ी प्यारी है और यकीनन बड़ी प्यारी है जेले देखे हो सो कि तमाम मुसलमान चौक दर चौक वेदे पे
और किदे वेंदे पेन एक विराजी गमखारी दी खातर एक सारा सजन ई दुनिया तो लंग गए असा उंदे पर असा नाल गमखारी करन वेस्ते वेंदे पे है ओ बड़ा प्यारा रहमत भरा मंजर होंदे और अल्लाह पाक जड़ी तौर दी तारीफ करंदे फरमेंदे के व ताबा ममशा का तेरी टोर बड़ी प्यारी है और तेरे वास्ते खुशखबरी है कि जन्नत के अंदर तेरी मंजिल और मकान तामीर की चुके। बड़ी खुश नसीबी वाली गल होंदी है ता ई महफिल के अंदर आवण दा एक खास मकसद ये होंदे कि असा कोई दीन दी चंगी गल सुनो और ई चीज दी अहमियत कि जेड़े दिल के अंदर इल्मे दीन हासिल करने दी मोहब्बत आंदी है बंदे को दर्जा कमाल तक पहुंचा देंदी है और जेले इल्म दी गाल दी सुनन कोलो बंदा दूर हटदे तो बहुत ज्यादा बंदा दूर बन पौंदे। कितना दूर पौंदे? कुरान पाक दे अंदर इरशाद थींदे जेड़े लोग इल्म दी महफिल कोलो दूर भजदे न, जेड़े लोग कहंदे न यार साको ए डरावण वाले गाल ही ना सुनो, हालांकि वो समझदे न कि ई चीज दे अंदर अगर कोई नुकसान दे चीज है अगर हुकूमत कोलो रोकिया बने तो वो बड़ा मोहतरम इंसान होंदे जेड़ा उकू रोके डरावण वाली चीज जी नुकसान दे चीज है उन्हें कोलो रोके, बड़ा खुश नसीब होंदे कि मेरे को ये बड़ी नुकसान दे चीज को बचाए ही मेरे को मेरे जिसम से बठुआ बता मेरे को आके हटा तो उन्हें ना लड़न की बजाय बल्कि मोहब्बत नाल पेश आमड़े। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक गशा फरमे दे कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा। जरले जहन्नम के अंदर जहन्नमी लोगों को भुकाया वैसी सअलहुम खज़नतुहा जहन्नम का दरोगा सवाल करे सी अलम यातकुम नदीर क्या था को डर सुनावण वाला कोई ना आया ताकू समझाने वास्ते कोई ना आया जेड़ा ताकू समझावे हा कि तुसा अगर रब ताला दी बारगाह दे अंदर तुसा कसूर करे सो और अगर तुसा जकात दे अंदर कमजोरी करे सो तो इहो माल भरोसे कियामत गंजे नाम की सूरत थोड़ा पाछा पकड़ के आखसी मैं हाँ तेरा माल जेंद नाल ते को बहुत ज्यादा प्यार हा। क्या ताकू डर सुनावला ना दा कि वालिदैन दा ना फरमान दर हकीकत खुदा दा ना फरमान है। क्या था को डर सुना वाला कोई ना था अलम जाती को नदीर क्या था को डर सुना वाला कोई ना था कालू बला कद जा अना नदीर जहन्मी एतराफ करे सिन क्यों नहीं सकु डर सुना वाला ले आंदे हन नदीर डर सुना वाला आने हन बला कद जा अना नदीर फकसबना असा उन्हें को जुट ले लिया से वकुलना मा नसरना हो मिन शय इन अंत मिल्ला फी दलालिन कबीर जेड़ा साफ समझावण वाला आंदा हा असा उंदे आप दुनिया दे आसे सारी कोशिश होंदी आई कि असा को गुमराह को और आखो तू बहुत बड़ा गुमराह है जेड़ा समझावण आंदा हा सारी कोशिश होंदी आई असा उंदे ते एतराज करू हा एतराज कर कर के उंदा दिल तोड़ तोड़ के असा उंदे कोलो हक दी गल ना सुन लिया बोलो तो हसरत अदाय की तो हसरत क्या होसी कालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक्लु मा कुन्ना फी असहाबिस सईद ओ हसरत क्रेशन लौ कुन्ना नस्मउ काश के असा इने द गाली सुनो हा लौ कुन्ना नस्मउ काश के सुनो हा औ नअक्लु ते समझू हा मा कुन्ना फी अस्हाब सईर आज असा जहन्नमी ना हो जहन्नम विच ना हो हा जहले ई हसरत दा इजहार करे सन और ओथा सारे फरिश्ते दारोगा जहले ए गाल सुन सी ओ आक्सी फतरफो बिसम बहम आज तू अपने गुनाह दा इतराफ कीती खणे हालांकि ते को दुनिया दे अंदर उलमाए किराम समझे दे हन कि तू अपने पाक परवरदिगार दी बारगाह दे अंदर झुक बन जेड़ा अपने पाक परवरदिगार दी बारगाह दे अंदर झुक पेंदे इस्तगफार करेंदे तौबा करेंदे नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम इरशाद फरमाने इरशाद फरमाया कि मन लाजिमा इस्तगफारन जेड़ा बंदा अपने ते तौबा ते इस्तगफार को लाजिम कर गिनदे जाल अल्लाह लहू मिन कुल हम मिन बखराजा अल्लाह तबारक
ताला उन्दे वास्ते हर गम कोलो बाहरो निकलन दी राह पैदा फरमा देंदे व मिन कुल्ली दैकिन मखराजा और अल्लाह तबारक व ताला उकु हर तंगी कोलो बाहर निकलन दा रास्ता अता फरमा देंदे व जअल अल्लाह लहू बजअल अल्लाह रिज़्क़हु मिन हैसु ला यहतसब और अल्लाह तबारक व ताला उकु ए जई जा तो रिज़्क़ अता फरमेंदे जितों दा बहमो गुमान ही नहीं होंदा। दसो जेड़ा बंदा इस्तेगफार करे सी क्या वो हराम तो वे सी? उको पता है कि मैं आज अपने पाक परवरदिगार को माफी मांग के आया कि मैं कारोबार के अंदर दगाबाजी नहीं करनी। जेले उनके दिल के अंदर यह जज्बा पैदा थी सी तो यकीनन उनके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा थी वे सी। लेकिन जरले वो आदमी एतराफ करे सी कि लव कुन्ना नस्माऊ और ना किलु मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, काश कि असा उलमा जा गाली सुनू हा, कुरान पाक को सुनू हा और समझू हा। मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, अज असा जहन्नमी ना होवा बल उथा जो दरोगा है वो अक्सी फातरफू बिज़म्बिहिम, अज गुनाह दा इतराफ किते वे फसोह कर लिया असहाबिस सईर ए जहन्नमियो ओ जहन्नमियो थारे वास्ते जहन्नम दी फटकार है, माफी ना मिल सी। जेड़ा डर वेंदे डर वेंदे अपने पाक परवरदिगार दी बात दी गाह दे अंदर अगो इशा फरमेंदे इनल्लजीन यख्शौन रब्बहुम, जेड़े लोग ई कुरान पाक को सुन के दिल को अपनी मोहब्बत ने अल्लाह पाक दे कुरान पाक दी मोहब्बत मोहब्बत उजागर करने होए, अपने दिल दे अंदर कुरान पाक को सच्चा मनने होए, अपने दिल दे अंदर खौफ पैदा कर के दिन इनल्लजीन यख्शौन रब्बहुम, जेड़े लोग अपने रब कोलो डर वे ने यख्शौन रब्बहुम लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन करीम। फरिश्ते आखसन अगर तुसा अपने रब कोलो डरो हा तो उन्हें वास्ते तुहाडे वास्ते मग़फ़िरत भी है और बहुत बड़ा इनाम भी है। तो इतिहास नाल सकूं रब ताला दा खौफ अपने दिल के अंदर उजागर करना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा फ़अलत उम्मती खमसा अशरत खसलतन, जरले मेरी उम्मत 15 कमेट पै वैसी हल्ला बिहल भला उन्हें ते मेरा अजाब नजर थी सकते। फरमाया इजाज खाना मगनमो तुम्हारा, जरले लोग माले गनीमत को जाती माल बड़ा गिनसन, मुल्को कौम दा पैसा अपना जाती माल बड़ा गिनसन, बल अमानत तो मगनमा और जरले लोग अमानत को अपने वास्ते गनीमत अपने वास्ते दौलत समझ गिनसन के सारे को अमानत आ गई है सारे वास्ते बड़ी खुश नसीबी है अपनी दौलत बड़ा गिनसन, बस जकात तो मगरमा जरले लोग जकात को अपने वास्ते टैक्स से बोझ समझन, व अतार रजुल सौ जाता हूँ हक्का उम्मा हूँ, जले आदमी अपनी जाल की मने और अपने अपनी अम्मी की ना फरमानी करे वह पर्रा सीधी कहू वह चफा अबा हो, जले आदमी अपने यार नाल जारी गंठे और अपने बालक नाल ना फरमानी करे बाली शाह फरमाया वह इजा वह उक्रिमा रजलु मखाफत अशर रही, तो जले लोगों की ताजीम ई मस्त की बने कि इंदी अगर ताजीम ना करे सो तो ऐसा को नुकसान पूछे सी। बल फरमाया वह तुखिजाती लकीनातुल मासिफ, जले मेरी उम्मत के अंदर गामन बजामन आम थी वैसन, वशूरी बतिल खमरु जले शराब पीसे लोग, नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह भी हल बना इन्हें उम्मत को दस दो कि इन्हें ते अजाब नाजिल थी सकते, पर इरशाद फरमाया कि जले मेरी उम्मत के अंदर ए जन बदबख्त लोग पैदा थी वनन लाना आखरो हाजिर उम्मत ही अब्बला, कि ए जन लोग पैदा थी वनन कि जड़े औलिया अल्लाह को भौंकेन गुस्ताखी करन। फरमाया फल जनता जीरो इंतजारी का रिहल हमारा, तो लोगों उम्रे इंतजार करे सुर्ख अंधारी दा औ खसपन यावल जमीन दे अंदर धसा दिता है बनर दा औ मसन, या इंतजार करे कि तुम्हारे चेहरे मसक कर दिते वैसे। ता कोई नसीहत करान दी कोई बेगाल करान दी मैं को जरूरत नहीं, इतना काफी है नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान नबी और अल्लाह पाक दा कुरान वो मैं सुनाए और सारी नसीहत वैसे इतना काफी है कि असा अपने दिल के अंदर रब ताला दा खौफ पैदा करूं, जले खौफ पैदा थी सी इस्तगफार करे सू माफी मंगसू पर अल्लाह पाक दी रहमत नाजिल थी सी। अल्लाह पाक सबको अमल करने की तौफीक अता फरमावे, आमीन बिजाह नबी अमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।